नमस्कार, स्वागत है आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के साप्ताहिक बुलेटिन में। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। मणिपुर हिंसा पर चर्चा से क्यों भाग रहे विपक्ष, अमित शाह ने साधा निशाना। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, बढ़ेगी पीएफ पर ब्याज दर। भारतीय बाजारों में जल्द उतरेगी शाओमी की तरफ से रेडमी 12। कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने तोड़ा रिकॉर्ड, 120 करोड़ के पार पहुंची कमाई। बारिश के कारण रद्द हुआ वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट सीरीज। और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा, मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इस संवेदनशील मामले की सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए। मोदी सरकार ने लोगों के लिए किया बड़ा ऐलान। सरकार ने ईपीएफओ खाते पर मिलने वाले ब्याज के दरों में कर दी है बढ़ोतरी। यह सर्कुलर 24 जुलाई को जारी किया गया था। भारतीय बाजारों में लॉन्च होने जा रहा है एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है रेडमी 12। यह जानकारी रेडमी इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई थी। इसे बहुत ही कम कीमत में अनेक फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसके बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000 mAh की बैटरी दी गई है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। मैच के पांचवें और आखिरी दिन बारिश के कारण एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। वैसे बता दें, भारत ने पहले टेस्ट मैच में 141 रन से जीत हासिल की थी। कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यप्रेम की कथा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। करीब 60 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अब 120 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फिल्म की कहानी लोगों को बहुत लुभा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।